सिवान के अमलोरी सरसर में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि मीरगंज के तरफ से आ रही यात्रियों से भरी एक बस अमलोरी सरसर बीएड कॉलेज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस का अगला टायर फट गया था, जिसके वजह से बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। बस के पलटने से बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों और मृतकों को बाहर निकाल कर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बड़ी दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 लोग पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस उनकी पहचान। इस बड़ी दुर्घटना की सूचना मिलते ही DM और SP सदर अस्पताल पहुँचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था की। गोपालगंज और सिवान के रास्ते में अमलोरी एक जगह है जो मेन रोड पर है, वहीं पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बस पलट गई है और काफ़ी लोग बस में फंसे हुए। तो बस वहाँ पहुँचा गया था, जहाँ पे घायल और कुछ मृत व्यक्तियों को निकाला गया। अभी तक की सूचना के अनुसार 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 15 से 20 लोग घायल हैं, जिसमें से 15 लोग सीरियसली गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूसरों को पटना रेफर भी किया गया। हादसा कैसे हुआ? अभी तक कुछ नहीं कहना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। चक्का ब्लास्ट कर गया था, संभव है। जब तक वो कंफर्म इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस पलट गई थी सड़क पे और उसके बाद पलट के सड़क के नीचे गड्ढे में गिर गई। सर, आपने घटनास्थल का जायजा भी लिया और वहाँ भी मृतकों के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है या उनके परिजनों को? पहुँचे और एम्बुलेंस वगैरह बुलाया गया था, पुलिस भी वहाँ पहुँचे और उसके बाद घायलों और मृतकों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जिन लोगों के परिजन आ गए हैं उन लोगों को रेफर किया जा रहा है और जल्दी हम लोग पता कर रहे हैं कि जो भी घायल या मृतक हैं उनके परिजन कहाँ हैं, उनको सूचना दी जाएगी और अभिलंब उनको यहाँ बुलाया जाएगा। अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कि जो भी मृतक हैं वो कहाँ के हैं और जिनके परिजन साथ में हैं वो तो स्पष्ट है, लेकिन जिनके परिजन नहीं हैं उनको हम लोग जल्दी पता करके उनको सूचित करेंगे। अगला टायर जो आवाज़ किया था उसी के चलते उसके ड्राइवर को बैलेंस घबराया था। गाड़ी बस बहुत फास्ट में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद बस फास्ट में खोला था, उसके बाद बस में आदमी कितना आदमी दबा गया था। दबाने के बाद वो जो वो प्लांट वाले JCB आया था, JCB उसको खींच कर सीधा किया था तो आदमी इसमें से घिच घिच के बाहर निकाला और गाड़ी को लोड करके अस्पताल में भेजा गया था। क्या लग रहा है कितने लोगों की मौत हुई? लगभग सर 10 आदमी तो घायल हो गया था, मर गया था, स्पॉट डेथ हो गया था। 10 से 15 आदमी सर घायल हो गया था तो हॉस्पिटल में गया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अच्छे लाल कुमार यादव। कितना आदमी बस में रहल? बस में कम से कम आ कितना आदमी मरल हुई, कितना लोग घायल हुई? क्या नाम हो? हमारा नाम हरिलाल चौधरी। कहाँ से घर बा? हीरा। दुर्घटना हुआ से भरी बस एक गोपालगंज से आ रहे अमलोरी सरसर के पास, उसका चक्का फटने से अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी, जिसमें 6 यात्री की मौत हो गई। लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। कितने लोगों को रेफर किया गया है? करीब आधा जन लोगों को पटना PMC रेफर किया गया है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम।